मोबाइल में अनलिमिटेड व्हाट्सएप नंबर कैसे पा सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए फाइंड सर्च फॉर व्हाट्सएप। तो ये मैं सर्च कर देता हूँ, आगे देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐप है। मैं ये ऐप पहले कहीं इंस्टॉल कर चुका हूँ और इसीलिए यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अपडेट नहीं करूँगा, वो सिंपली उस ऐप को ओपन करूँगा। आपको इंस्टॉल करना होगा, अगर ये ऐप आपको ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप ये ऐप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए कि इसका आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए, मेल या फीमेल। तो मैं किसी का भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, सपोज फीमेल में मैं सेलेक्ट करके सर्च व्हाट्सएप नंबर पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये कुछ लगभग 100 ये फीमेल का व्हाट्सएप नंबर मेरे कॉन्टैक्ट में सेव कर देगा। और ये सेविंग ऑप्शन हो रहा है 0%, ये अभी कॉन्टैक्ट मेरे में सेव हुआ है। तो ये प्रोसेसिंग जब 100% हो जाएगा तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 100 व्हाट्सएप नंबर आ जाएंगे। जब तक ये प्रोसेसिंग हो रहा है मैं अभी आपको अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाता हूँ। मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में अभी लगभग 17,042 कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेसिंग 100% होने के बाद देखा जाए मेरे पास कितने व्हाट्सएप नंबर आते हैं। तो ये 100% मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे में 100 कॉन्टैक्ट्स ऐड हो गए होंगे, सक्सेसफुली हो गए हैं। तो मैं अब अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ। व्हाट्सएप खोलने के बाद मैं कॉन्टैक्ट में जाऊँगा और देख सकते हैं लगभग 17,042 मेरे पास कुछ व्हाट्सएप नंबर थे और ये 100 व्हाट्सएप प्लस कर दिया लगभग, तो अब मेरे पास 18,011 हो गए व्हाट्सएप नंबर। और ये सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे सर्च नाम से सेव किया है। तो ऐसे आप जान पाएंगे कि ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नहीं है, किसी और से मैंने चुराया ये व्हाट्सएप नंबर। तो अभी आप इसे चैटिंग भी कर सकते हैं, ये रिप्लाई भी देगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।